खरगोन जिले में कोरोना महामारी के साथ ही मौसमी बीमारियां भी पैर पसार रही है। शहर में गंदगी से नागरिक परेशान है। खरगोन के कमला नगर में नाली का निकास नहीं होने से गंदा पानी जमा हो रहा है। इसके कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे जानलेवा डेंगू होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में डेंगू मरीजों की तादाद देखकर हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या 22 हो चुकी है। इस दौरान जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर लोगों को इस बीमारी से बचने की सलाह दे रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि शहर में किए गए गड्ढों में पानी जमा होने और सफाई के अभाव में बीमारी पनप रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 24 घंटे ये पानी की निकासी सही नहीं हो रही है। उधर नहर आ गई है तो उधर से ऊंचाई है, जब ये नाली बनी तभी गलत, उसका मतलब ढलान इधर नहीं है, फिर भी इसको नाली को इधर बना दी और पानी निकलता ही नहीं, जमा ही रहता हमेशा ही। और बारिश में तो पूरा हमारे घरों के आसपास पूरा गंदा पानी, पूरा कमला नगर का पूरा इकट्ठा पानी यहाँ पर तालाब के रूप में बन जाता है। अभी डेंगू की बीमारी चल रही है, तो अभी डेंगू की बीमारी चल रही है, वही तो डर लग रहा है कि अगर ये पानी जमा रहा और इसमें मच्छर पनपे तो हमारी पूरी कॉलोनी चपेट में आ सकती है, अगर इसका जल्द से जल्द निवारण नहीं हुआ तो। सीओ मैडम से इसकी शिकायत करी? सीओ मैडम खुद आके देख के गए और उन्होंने बोला था कि हम 1 महीने के अंदर इसका निराकरण करेंगे, लेकिन अभी 3 महीने होने चले हैं, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या नाम आप? मेरा नाम हेमलता बघेल। आपका कहना सही है, वर्तमान में पूरे जिले में डेंगू के 22 कंफर्म पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर जो है खरगोन, कसरावद और महेश्वर के हैं। मेरा समस्त जिले के नगरवासियों से अनुरोध है कि वर्तमान में अभी डेंगू का कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, बचाव ही एकमात्र उपचार है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मच्छरों से को काटने से बचाएं और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। सुबह और शाम को जब मच्छर जो ज़्यादा घरों के अंदर घुसते हैं और वो हमें डेंगू एडीज मच्छर जो है सुबह और शाम जो है घरों में घुसता है, और इसलिए सुबह और शाम घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, घरों में मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें और प्रयास ये करें कि मच्छर आपको ना काटने पाए। इसका फैलने का क्या कारण क्या है सर, क्यों फैल रहा है ये? वर्तमान में जो मौसम है वो एडीज की ब्रीडिंग के लिए बहुत फेवरेबल है, और चूंकि अभी कोविड भी शहर में फैला हुआ है, कोविड और डेंगू दोनों के लक्षण लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए यदि कोई भी बुखार हो तो तत्काल आकर फीवर क्लिनिक पर जिला चिकित्सालय में अपनी जांच कराएं और इन दोनों का उपचार एवं निदान की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। क्या इसके लक्षण क्या है सर, डेंगू किस तरह से लक्षण? बहुत तेज बुखार, एकाएक तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, आंखें घुमाने पर आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर पर लाल रंग के चकते आना, ये डेंगू के लक्षण। इसका उपचार है कि नहीं अपने यहाँ की? इंदौर में सभी जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। क्या नाम सर पूरा? डॉक्टर सुनील वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी। डेंगू पॉजिटिव पाया गया, उसका कारण है कि नगर पालिका की कोई व्यवस्थाएँ कर नहीं रही है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, दवाई छीटने का कोई काम नहीं है। पहले फोक से मच्छर के लिए वो भी छीटते थे, अब जो है वो इस प्रकार से कोई व्यवस्था कर नहीं पा रही है नगर पालिका। और दूसरा असर रोड खोल दिए हैं, जिससे पानी फिर उभरा है, नलों का पानी सब रुका हुआ है, नालियाँ सब चोक हो गई है, जिसके कारण से डेंगू और अधिक फैल रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंट पाए जा रहे हैं, खुद भी अपनी पत्नी को यहाँ 5 दिन से लेकर डेंगू के लिए परेशान हो रहा हूँ। यहाँ व्यवस्था है कि नहीं, इलाज वगैरह हो रहा है? बढ़िया इलाज हो रहा है नगर अस्पताल में, जिला सरकारी अस्पताल में बहुत व्यवस्था है, जांच की व्यवस्था है, लेकिन ये गलती में केवल नगर पालिका की मांग। क्या नाम है आपका? सचिन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।